कांग्रेस के पूर्व मंत्री संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन महानगर के टाउन हॉल स्थित एक स्थानीय होटल में किया, जिसमें उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता को गुमराह कर रही हैं और उन्हीं योजनाओं को अमल में ला रही हैं जिसका कभी विरोध स्वयं विपक्ष में रहकर उन्होंने किया था। इस संदर्भ में संजय सिंह ने कहा, उसका चुनाव होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन जो इन लोगों के वादे थे चुनाव के पहले, वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो, महंगाई की स्थिति थी वो, विकास दर थी वो, बेरोजगारी की जो हालात थे वो, देश में जो शांति की स्थिति वो, देश में हमारे बॉर्डर्स पे जो शांति थी वो, किसी भी मापदंड में ये बहुत ही नीचे सरकार गई कि आने वाले इस बाई इलेक्शंस में भी जो प्रदेश के हालात है उसको देखते हुए, देश के हालात देखते हुए जनता कांग्रेस की तरफ मुड़े। अभी अलायंस की भी चर्चा हुई और अलायंस में कई तरह से पत्रों ने भी और हमारे मीडिया के साथियों ने भी तरह तरह के कमेंट किए, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी का निर्माण जब हुआ था उस समय धर्मनिरपेक्ष की भावना को, धर्मनिरपेक्षता की वैल्यूज को, इस देश के विभिन्नता को, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, देश के तरह तरह की भाषा, तरह तरह की जाति, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के रीति रिवाज, तरह तरह के इनके रहन सहन के तौर तरीकों को देख करके कांग्रेस का निर्माण हुआ था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमियां रही कि यहां बसपा आ गई, कहीं ना कहीं कोई खामी थी, यहां सपा आ गई। पीछे भी हमने विधानसभा के चुनाव में अलायंस की बात की जिसे जनता ने नकार दिया। आज हमने पार्टी ने, पार्टी नेतृत्व ने फिर वही रास्ता अपनाने का फैसला किया है कि जनता की जैसी इच्छा हो हम जनता के साथ चलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से, बसपा से भी चर्चाएं हुई, इस चुनाव के पहले चर्चाएं हुई मुझे जानकारी है, लेकिन कौन कहां कैसे क्या चाहता है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो अलायंस सपा बसपा का हुआ लगता है कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों में एडजस्टमेंट के लिए अलायंस हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि एक स्वार्थ का एक उदाहरण है। हम जनता की भावना के साथ चलना चाहते हैं, ऐसा हमारी पार्टी का स्टैंड है।